नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर सभी जगह मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरठ मंडल के स्नातक एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया भी सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर में 56 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिस पर मतदान प्रक्रिया शुरू की गई, जहां ग्रेजुएट वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जनपद में चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान की गई सभी व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने निरीक्षण किया, जहां सभी व्यवस्थाओं को परखते हुए सभी मतदान कर्मियों को और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। में सभी वोटर्स आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और सभी सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम है। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क बना हुआ है, जिस वोटर को भी दिक्कत होता है वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो बस अनुरोध ये है, जितने भी वोटर्स अभी वोट नहीं किए हैं उनसे भी अनुरोध है, कृपया आकर के अपना मतदान का मतलब डेफिनेटली उसका वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करें। मैम, बैठने के लिए व्यवस्था की गई है? पहली बार मतदाता नहीं, एक्चुअली थोड़ा ठंड का सीजन है और इसलिए थोड़ा सा जब भी आते हैं और थोड़ा ग्रुप्स में भी आ रहे हैं तो बैठने, थोड़ा एज ग्रुप भी हर कैटेगरी के आ रहे हैं तो इसके लिए इंतजाम। कोविड को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है मैडम? सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए ही हम लोग के प्रयास किए हैं सैनिटाइजेशन का, और बाकी मास्क, ग्लव्स वगैरह दिए हैं, पूरा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। मैडम, जब बाहर जो बूथ बने हुए हैं लोग भीड़ लगा खड़े हुए, काफी जमावड़ा लगा नहीं, यही थोड़ा सा भीड़ को, इनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ये सबको सतर्क रहना है। बस ये है, थोड़ा सा पब्लिक सोचते हैं कि कोविड का इतना नहीं है, बट कोविड अभी है और केसेस भी निकल रहे हैं। सभी से अनुरोध है तो खुद पहले प्रोटेक्शन अपना करना चाहिए। देखिए, आज जो मतदान हो रहा है उसमें जनपद मुजफ्फरनगर में 13 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 5 जोन और 13 सेक्टर्स में संपूर्ण व्यवस्था को बांटा गया है, जिसमें जोनल पुलिस ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, और उसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पे वहाँ पे जितने मतदेय स्थल हैं उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मानक हैं उसके अनुरूप फोर्स लगाया गया है। उसके अलावा जनपद में जो भी पीआरवी की गाड़ियां हैं उनको पेट्रोलिंग में रखा गया है संबंधित थाना क्षेत्र में। संबंधित थाना प्रभारी व उनके अलावा अतिरिक्त थाना प्रभारी की ड्यूटी अलग से लगाई गई है। सभी मतदान केंद्रों, सभी स्थलों को लगातार राजपत्रित अधिकारियों, जिसमें सीओस, एसडीएम्स, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम्स, एडिशनल एसपीस और मेरे व डीएम साहब के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। कोई खामियां किसी तरह की मिली सर? किसी तरह की कोई समस्या कहीं प्राप्त नहीं हुई है, लगातार चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है, सभी जगह अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। पोलिंग एजेंट या प्रत्याशी तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं है? हम लोग लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कहीं कोई कंप्लेंट या कोई समस्या नहीं आई है। सर, अगर कोई मिलती है तो किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ आगे पाई जाएगी तो उसमें विधिक अनुसार कार्रवाई कानूनी रूप से करी जाएगी। हमने पहली बार वोट किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एक शिक्षकों का एक अलग महत्व लग रहा है कि हाँ, एक अलग एक इम्पॉर्टेंस लग रही है अपने आप में कि एक एजुकेशन को होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड होना ज़रूरी है, आपका क्राइटेरिया बढ़ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रत्याशी जिसे हमने चुना है हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारे अधिकार के लिए और हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करेंगे। देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते, स्नातक होने के नाते हमने अपना मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, शिक्षक के रूप में श्री श्रीजन शर्मा जी को और स्नातक के रूप में दिनेश कुमार गोयल जी को अपना प्रत्याशी मेरठ सहारनपुर मंडल जो खंड है, ये जो सीट है, इसे प्रत्याशी बनाया। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सामाजिक दृष्टि से बहुत उत्साह है, चूँकि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र में और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है और जिस प्रकार से जन कल्याणकारी नीतियाँ लागू होकर के जन जन तक पहुँचने का काम, गरीबों के कल्याण का काम, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जिस प्रकार से पहचान बनी है और जो भारत को पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान मिल रहा है, उसके कारण से सब लोग बहुत आशान्वित हैं। सब लोगों को बहुत विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश लगातार प्रगति कर रहा है। उसी बल पर हमको पूरा भरोसा है कि जो मतदान में पूरा उत्साह आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में है, तो दिनेश चंद्र गोयल जी स्नातक के रूप में और श्रीचंद शर्मा जी शिक्षक के रूप में चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। सर, आपने भी मतदान किया? जी, मैं मतदान करके, अब ये बातें नहीं बतानी होती, स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेंगे, पर फिर भी एक
गोबरी विषय था। जनपद के चरथावल विकास खंड में बनाए गए बूथ पर भी सुबह से ही मतदाताओं ने पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया और अपने प्रत्याशी को वोट दी। इस दौरान सीडीओ आलोक कुमार यादव ने बूथ स्तर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पास में ही है गाँव बड़कली, वहाँ से आए हैं। विकास के मुद्दों पर ही है जी वोटिंग, तो विकास है, विकास कर रहे हैं जो की पार्टियां जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनके आधार पर थी। बेरोजगारी पहले राष्ट्र है जी, बेरोजगारी तो उसके बाद की बात है, पहले राष्ट्र को प्राथमिकता है। किसानों के मुद्दे पर भी है ध्यान। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। किस तरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहाँ की गई है? पुलिस व्यवस्था भी है, कोविड की पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है। प्रत्येक जो है मतदाता को जाने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। हर बूथ पर जो है सैनिटाइज कराने वाला कर्मचारी लगा है सैनिटाइजर के साथ, और अगर कोई पूरी कोविड की व्यवस्था है। तो मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? मतदान ठीक हो रहा है, अभी लगभग जो है 30% के लगभग मतदान हो चुका है। वहीं नगर के महामना मालवे इंटर कॉलेज सहित विभिन्न कॉलेजों में पोलिंग बूथ बनाए गए, जहां मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान ग्रेजुएट वोटरों के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया गया। आज जैसे मैंने पहली बार वोट दिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने देखा है कि एक इसमें एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, जिस वजह से हर एक को एक एजुकेटेड होना चाहिए ताकि वो अपने वोट को एक अच्छी जगह वहाँ दे सके जहाँ को उसको लगता है कि उसको एक सेफ वोट मिलता है। आपने जिस प्रत्याशी को वोट दिया, क्या लगता है आपके लिए और भी अच्छे कार्य करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि हमने जिसे वोट दिया है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को सपोर्ट भी करेंगे और हम लोगों के काम भी करवाएंगे। मेरठ मंडल में शामिल जिले सहारनपुर में भी हमारी टीम ने मतदान स्थलों का निरीक्षण किया, जहां बूथों पर पहुंचे मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं दौरान शादी करने जा रहे दूल्हे ने सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन को भली भांति पूरा कराना शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मतदान की मतदाता जो है पहले उसका थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, और थर्मल स्कैनिंग के लिए हमारा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र की पूरी टीम यहां पर जुटी हुई है कि कोविड का भी ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए और इलेक्शन को पूरे तरीके से भली भांति पूरा कराया जाए। ये जनता इंटर कॉलेज है, जिस कॉलेज में MLC उम्मीदवार के लिए आज मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पर्ची चेक होगी, उसके बाद ही उसको बताया जाएगा कि बूथ संख्या कहाँ पर है और किस कक्ष में उन्हें अपना वोट डालने जाना है। हलचल से हेमंत अरोरा अपने सहयोगी विनय के साथ। और आप देख सकते हैं कि ये चीजें, ये जागरूकता जो यहाँ देखने को मिल रही है, हमारे बीच एक नव दूल्हा जो अपनी शादी में जाने से पहले, अपनी बारात को चढ़ने से पहले, घोड़ी पर चढ़ने से पहले अपने मतदान का उपयोग करते यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंकज ठाकुर। तो पंकज जी, क्या आपको लग रहा है शादी जरूरी है या फिलहाल पहले मतदान? फिलहाल तो मतदान जरूरी है सर। क्यों, मतदान क्यों जरूरी है? इससे अपने देश के भविष्य का मामला है ना सर। आप देख सकते हैं दूल्हे राजा ने कहा है कि हमारे देश के भविष्य का मामला है, पहले मतदान होगा तभी मैं घोड़ी पर चढ़ूंगा। और आप देख सकते हैं कि थर्मल स्कैनिंग होते हुए एक जैनवन अधिकारियों के बीच से ये दूल्हा अपने मतदान का उपयोग करते हुए